नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कई विभागों में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारी रडार पर हैं। यूपीआई सीओएन ने जुड़े ठेकेदारों पर इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में, 22 जगह पर एक साथ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली तक में रेड चल रही है, कई भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स इनकम टैक्स की रडार पर नजर आ रहे। सूत्रों के हवाले से जानकारी, कई विभागों में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रविवार को नोएडा के ट्विन टावर जो कि सुपर टेक के थे वो गिराए गए हैं। तब के बाद से ही हम देख रहे हैं कि कई विभागों में लगातार अधिकारियों पर, रडार पर अधिकारी नजर आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ से मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दानिश, हम देख रहे हैं कि यूपी में पूरी तरह से एक्शन मोड में तमाम जो अधिकारी हैं उन पर रडार यानी कि नजर रखी जा रही है, और अभी जानकारी मिल रही है कि इनकम टैक्स की रडार पर कई ऐसे विभाग हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर या तो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं या हो सकता है कि वो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरे भारत में मुझे लगता है अचानक कुछ राज्य जैसे लखनऊ है, कानपुर है और दिल्ली, एक साथ 19 जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है। एक साथ 19 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप इस बात पर मच गया है कि आयकर विभाग ने किसकी तैयारी पहले से शायद कर रखी होगी, और एक साथ 19 जगहों पर छापेमारी केवल एक राज्य में नहीं है, कई राज्यों में मार दी गई है, जिसमें कानपुर, लखनऊ, दिल्ली समेत है। और इसमें उद्यमिता विकास है, विकास संस्थान है और जो फर्म के ठेकेदार हैं उन पर भी आईटी की रेट चल रही है, और प्राइवेट सेक्टर है जिन पे भी आईटी की रेट चल रही है। तो यानी इनकम टैक्स ने एक साथ जो 19 जगह पर छापेमारी की है, मुझे लगता है कि ये बहुत पहले की तैयारी है, और एक साथ 19 जगह पर छापेमारी से हड़कंप इस बात पर मच गया, लेकिन अभी खुलासा इस बात का नहीं हो पाया है कि इनकम टैक्स ने जो ये छापे की रेट जो मारी है, ये 19 जगह पर एक साथ जो टीम बट गई, बट के जोनों में जो काम कर रही है, वो आखिर किस बात की छापेमारी है और किस बात का करप्शन है। हाँ, ये जानकारी मिल रही है कि करप्शन के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं और जो ठेकेदार हैं, उन पर इनकम टैक्स की रेट पड़ी है और उन इनकम टैक्स इस पे छापा मार रहा है। और दानिश, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से रविवार को ट्विन टावर गिराया गया नोएडा का, और जो एक लंबी फेहरिस्त तो सामने आई थी, अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की जा रही थी, जो भ्रष्ट अधिकारी उन पर एक्शन लेने की बात की जा रही थी, कहीं इसी कड़ी से इसे जोड़कर देखा जा रहा हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो आईएएस थे रमण सिंह, उनकी कंस्ट्रक्शन को डेमोलाइज करने का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार से भारत सरकार की भी किरकिरी हो गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करप्शन पर लगाम लगाई गई और 26 अधिकारी अभी भी मुख्यमंत्री की लिस्ट में है जिन पर कार्रवाई होना बाकी है। इसको लेकर के अचानक आज इनकम टैक्स की 19 जगहों पर छापेमारी की रेट शुरू कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि शायद कोर्ट के एक्शन के बाद शायद सरकारें जागी हैं और उन्हें इस बात को लेकर के शायद रियलाइज हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब करप्शन पर लगाम लगाई है और इतना गंभीर एक्शन लिया है कि कई करोड़ की बिल्डिंग को डिमोलाइज करके करप्शन पर रोक लगाम लगाई गई, तो क्यों ना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में इस तरीके की कार्रवाई की जाए। कि इनकम टैक्स की जो रेड होती है वो भारत सरकार तो होती है, और आईटी जब भी कोई कहीं पर रेड मारती है तो उस पर कहीं ना कहीं उनकी एक सेंध होती है या उनकी एक इन्फॉर्मर होती है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पर इनकम टैक्स की रेड मारी जाती है। और लखनऊ, कानपुर, दिल्ली समेत 19 जगहों पर जो इनकम टैक्स की रेट बांटी गई, जाहिर सी बात है कि अधिकतर आयकर विभाग के जो अधिकारी होते होंगे वो टीम में बट करके एक साथ छापेमारी करके काम किया गया है, उनको ये चार्ज बांट दिया गया होगा कि एक साथ लखनऊ, कानपुर में भी और दिल्ली तक इसके तार जुड़े हुए हैं। उम्मीद है जिस तरह से इनकम टैक्स कार्रवाई कर रही है, आगे ये कार्रवाई और तेज हो सकती है, जिले और बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जो 19 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है और टाइम भी एकदम पंक्चुअल रखा गया है, यानी एक साथ 19 जगहों पर छापेमारी
तो जाहिर से बात है इसकी मीटिंग पहले हुई होगी, इसका प्लान तैयार किया गया होगा कि इतने जिलों में जैसे लखनऊ है, कानपुर है, दिल्ली है, स्टेट भी बढ़ गए, अलग अलग टीमों पर एक साथ का पहुंचना और एक साथ रेट मारना, उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर रेट पड़ी है। और सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, जिसमें फर्म के ठेकेदार भी शामिल किए गए हैं, जिसमें उद्यमिता विकास संस्थान है और अन्य प्राइवेट सेक्टर है जिन पर जो है छापेमारी चल रही है। और मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद शायद भारत सरकार के भी एक्शन मूड में है और इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के पीछे कोई ना कोई संबंध जरूर बताया जा रहा होगा। और ये इनकम टैक्स की कार्रवाई कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत में एक मैसेज जाएगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इनकम टैक्स भी इस रडार पर ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिन्होंने करप्शन में ब्लैक मनी कमाई होगी और इनलीगल काम किए होंगे जिनको लेकर के इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। लेकिन एक बात ये भी बता दूं आपको कि जब इनकम टैक्स की छापेमारी होती है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ लीगल पॉइंट्स होते हैं और कुछ इनलीगल चीजें भी जो होती हैं जो इनकम टैक्स के रडार पर के साथ पहले से उपलब्ध होती हैं। तो ये छापेमारी जो अचानक हुई है 19 जगहों पर, इसकी प्लान या इसका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, इसका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, ये पहले से होगा। और आज अचानक उन्होंने एक साथ छापेमारी करके हड़कंप मचा दिया है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ प्राइवेट सेक्टर ठेकेदार और फर्म ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। ये कार्रवाई अभी शायद चल सकती है, अभी फिलहाल अपडेट कुछ नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर पता है कि लखनऊ, कानपुर, दिल्ली समेत 19 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें प्राइवेट सेक्टर से और ठेकेदार से, फर्म से और यहां तक कि भ्रष्ट आईएएस अधिकारी भी हैं जिन पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। और भी लोग हैं जो इनकम टैक्स के रडार पर शायद शामिल हो सकते हैं और इसकी छापेमारी और भी शायद देर तक चलेगी। ठीक है दानिश, फिलहाल शुक्रिया आपका, आप नजर बना के रखेगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है जहां पर इनकम टैक्स की रडार पर कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई विभागों में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारी रडार पर नजर आ रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े अधिकारी भी रडार पर नजर आ रहे हैं। कई ठेकेदार ऐसे हैं जो रडार पर है इनकम टैक्स के, यानी इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।